छात्रों के बीच से बुलाना चाहूंगा जिनको भी इस फिल्म के बारे में कुछ अपनी राय रखनी है, अपनी कुछ बात कहनी है, तो वो आके अपना या कोई अनुभव हो इससे जुड़ा हुआ तो वो आके शेयर कर सकते। कोई भी छात्र आज क्या नाम है आपका? रवि कुमार। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि कुमार, एनजीएमसी फर्स्ट ईयर। सबसे पहले तो मैं जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये जो समस्याएं तो हैं और हो सके हमें भी झेलना, हमारे गार्जियन भी झेलेंगे और हमें भी झेलना इस समस्या का। और ये जब हम मूवी देख रहे थे तो हमें घटना इससे जुड़ी ही हमें याद आ रही थी बार बार, हमारे घर के बगल की घटना सेम घटना है। उनका भी एक बेटा है, पिताजी नहीं है, ठीक है, वो बच्चा पढ़ा लिखा, शादी हो गई, बीवी के साथ घर को छोड़ दिया और वो क्या कर रहा है आज, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए फोन करता है घर में, मम्मी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, बस इतना ही करता है, मम्मी गहना दे दो, बस यही कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो है हम लोग के पास भी थोड़ा आए और हम उनको एक वीडियो दिखाए कि किस तरह से अपने बच्चे को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति में दान कर दिया। यही एडवाइस हमने उनको भी दिया था जिनके साथ एक घटना हो रही है, आप भी अपनी संपत्ति को चैरिटी में दे दीजिए। धन्यवाद। और कोई छात्र आना चाहते हैं? कोई आप आएंगे? मेरा नाम सुधांशु राज हुआ, बाकी मेरे क्लासमेट मुझसे परिचित है लेकिन आप लोग के लिए मैं अपना परिचय दूंगा। परिचय देने की बात की जरूरत नहीं है, जरूरत है इस टॉपिक पर बात करने की। इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे आप। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज के जनरेशन को ये चीज़ दिखाया और इससे हम लोगों को कुछ सीख मिला कि हम अपने पेरेंट्स के प्रति थोड़ा तो जागरूक हों, क्योंकि जहाँ तक सर की बात हुई, सर बोले कि मेरा ऊपर वाला पीढ़ी ऐसा किए तो उसके साथ आज वही पीढ़ी ये कर। लेकिन सर की बात से मैं सहमत भी हूँ और थोड़ा सा लेकिन मैं अपनी फीलिंग रखना चाहता हूँ कि ठीक है, मेरे दादाजी, हम लोग पूरे अपने दादाजी पर डिपेंड रहते थे और घर में एक वही थे जो शुरू में हम लोग को इच्छाओं की पूर्ति करिए या जो भी और सब और सारी चीज़ों की पूर्ति करनी है, और पिताजी भी ऐसा किए, तो हमारा कर्तव्य उनके प्रति क्या बनता है। एट द लास्ट इस कहानी का यही पर्पस था दिखाने का कि हम लोग आज के पीढ़ी उनके प्रति, हम अपने गार्जियन के प्रति, नॉट ओनली फॉर फादर, मदर और भी जो बुजुर्ग लोग हैं या परिवार के सारे सदस्य के प्रति, एक ही मेंबर को लेकर हम लोग नहीं चलना चाहेंगे। परिवार में मेरी माता है, पिताजी है, दादा है, दादी जी है, उन लोगों का मतलब हम लोग के हृदय में उन लोगों का फीलिंग तब आती है जब वो हम लोगों का साथ छोड़ने चले, जब रहते वक्त में हमें उनकी क्या बोलते हैं फीलिंग, साथ रहने की फीलिंग उतनी ज्यादा नहीं होती है जितना किसी को चले जाने के बाद होती है। और हम लोग कोशिश करेंगे अपना थोड़ा सा भी टाइम निकाल, थोड़ा सा क्या टाइम क्या, अपने गार्जियन के प्रति बहुत सारा टाइम निकालना चाहिए। एजुकेशन लाइफ है, एजुकेशन से हटने के बाद तो हम लोग उन्हीं के पास रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो छुट्टी के टाइम में आप अपने पिताजी माता जी के पास या दादाजी के पास जाते हैं, तो इस कहानी से प्रति जागरूक होकर ये जरूर कीजिएगा कम से कम उनके प्रति टाइम स्पेंड करें, उनके दुख दर्द को जानिए और हो सके आज आपकी एजुकेशन लाइफ में हो लेकिन हो सके तो उनकी छोटी सी छोटी खुशियों में शामिल हो, क्योंकि वे आपसे क्या चाहते हैं थोड़ा सा उनको एक गिफ्ट के रूप में भी आप कुछ ऐसा चीज दे दो। कमाने के बाद आदमी सोचता है, उनका हर आदमी का एक मकसद होता है कि मैं कमाऊंगा उसके बाद मैं अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, दादा के लिए, दादी के लिए ये गिफ्ट दूंगा। कोई जरूरी नहीं है कि कमाने के बाद ही वो गिफ्ट दिया जाए। आज आपके पास पॉकेट मनी, पापा का ही पैसे का पॉकेट मनी जो बचा हुआ है आपके पास,
उससे भी छोटा गिफ्ट उनको देकर कुछ पल के लिए खुशी दिया जाता है।